तो हेलो गाइस, कैसे हो? सुनो, आई होप कि आप सब बड़े होंगे। तो इस वीडियो में अपने बात करने अपने ग्रीन किंगडम के रिटर्न के बारे में कि अपने फ्री फायर गेम के अंदर आप सभी को ग्रीन किंगडम रिटर्न कब देखने को मिलने वाले, खास करके अपने इंडियन सर्वर के अंदर। तो गाइस, जैसे आपने स्क्रीन पर एक पोस्टर देख पा रहे जिसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो इन चारों बंडल में से किसी एक बंडल को वोट करना है, जिसके अंदर आपने जो है ग्रीन किंगडम भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर वोट करना है और अपने क्या इंडियन सर्वर के अंदर आपको ग्रीन किंगडम रिटर्न में देखने को मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो गाइस, उसके अलावा बात करें अपने टूर्नामेंट अपडेट जो कि अपना होने वाला है ब्रांड न्यू इंक्यूबेटर, तो गाइस मैं आपको बताऊंगा आपने को आजाद गन का इंक्यूबेटर या फिर बंडल के इंक्यूबेटर, इन दोनों में से कौन सी चीज देखने मिलेगी। साथ में अपने बात करें अपने अपकमिंग इमोट के बारे में कि अपने फ्री फायर गेम के अंदर आपको कौन कौन सी इमोट जो है इस टाइम देखने को मिलने वाले, ठीक है। तो वैसे वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को पूरे तक देखने को जिससे आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी। उससे अगर आप मेरे चैनल पर हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो या जो बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले अपडेट की। तो यहाँ पे अपना सबसे पहले अपडेट आता है न्यू M1887 की स्किन को लेकर। तो मैंने आपको जो ये स्किन दिखा था जिसका कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो गाइस ये जो स्किन है गोल्डन ग्लेयर M1887, ये आप सबको अपने फ्री फायर में एनिवर्सरी के थीम पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर बात करें इसके एट्रीब्यूट की, तो यहाँ पे लोग देख लो गाइस, यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट होने वाले डबल रेट ऑफ फायर प्लस सिंगल रेंज प्लस और सिंगल रिलोड स्पीड माइनस। तो मैंने आपको जिसको ऑलरेडी दिखा दिया था बट एट्रीब्यूट पेंडिंग थे, तो जो कि मैंने अभी आप सभी को बता दिया। तो अपन भी बात करें हमने आज रात की टूर्नामेंट अपडेट की कि आपको फ्री फायर गेम के अंदर आज कौन सा इंक्यूबेटर देखने को मिलने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अपना जो अपकमिंग इंक्यूबेटर होने लगे गन का होने लगे, बट गई यहाँ पे आपको जो है एक बड़ा अपडेट निकल कर आता है कि तो गई जितनी भी यहाँ पे बाहर के सर्व गए उनमें से कुछ सर्व के अंदर जो अपना बंडल के इंक्यूबेटर जो इन सबको सबसे पहले दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ा अपडेट ये कि जो बंडल के इंक्यूबेटर हो गए आप सबको फिर से इस टाइम देखने को मिल सकता है, जो कि अपने फ्री फायर गेम में आज रात आने वाले, ठीक है। तो जो अपना अपकमिंग बंडल के इंक्यूबेटर है, जो गन का इंक्यूबेटर है, उनका मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपसे रिव्यू दिखा चुका। अगर आपको रिव्यू देखना है तो आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा अपना टूर्नामेंट वेट। अपन भी बात करते हैं ग्रीन किंगडम के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आप सबको एक बैनर दिखा था जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पाओ, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इन चारों बंडल में से किसी एक बंडल को वोट करना था, जो कि आप सबको जो है फ्री फायर की फोर्थ एनिवर्सरी पर रिटर्न में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 14 अगस्त को टोटल 7 सर्वर के अंदर जो है ग्रीन क्रिमिनल यहाँ पे जो है रिटर्न में देखने को मिलने वाले, और गाइस ये चीज़ कन्फर्म हो रही है, ठीक है। अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे जो इंडिया के अंदर 50% चांस है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो अपने रशिया का सर्वर और जो यूरोप का सर्वर, तो इन दो सर्वर जो है यहाँ पे अपने इंडिया के जो इवेंट्स है वो बिल्कुल सेम टू सेम होती है, इसलिए जो है थोड़ा सा कोरिलेशन अगर हम समझे, तो गाइस आपको जो है 50% चांस बन रहा है कि अपने इंडियन सर्वर के अंदर ग्रीन क्रिमिनल आपको रिटर्न में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो गाइस अपने भी बात करें अपने फ्री फायर में आने वाले अपकमिंग इमोट्स के बारे में कि अपने फ्री फायर गेम के अंदर आपको कौन कौन सी इमोट यहाँ पे जो है दिए जाने वाले। तो गाइस सबसे पहली बात, जो अपनी फोर्थ एनिवर्सरी आ रही है, तो गाइस बस फोर्थ एनिवर्सरी के ऊपर आपको जो है टोटल 9 इमोट जो है दिए जाने वाले, जिसके अंदर कुछ एनिमेशन वाले और कुछ बिना एनिमेशन वाले, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और गाइस साथ में जो अपने एनिमेशन वाले इमोट है जो कि आपको जिस बार काफी ज्यादा अच्छे से देखने को मिलने वाले, जो कि मैं आपको जो रिव्यू दिखा दूंगा। तो यही पे अपनी जो वीडियो एंड होती है, जो यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड में मैं चला दूंगा कि किस तरह आपने जो इमोट होने वाले जिसमें कि वॉइस ओवर नहीं हुआ, ठीक है। तो होप आपको आज वीडियो पसंद आ चुकी, वीडियो पसंद रहती है चैनल को सब्सक्राइब करो या बेल आइकन पर सेट करना मत भूलना। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।